इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के अंदर जो गेम है हमारा, उसके अंदर हम फ्रेम रेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने का क्या प्रोसेस है इसका, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वो आपको गेम प्ले के थ्रू नहीं बता सकता, मतलब कि जो फ्रेम रेट से कम आपकी क्वालिटी होगी, ज़्यादा होगी या मीडियम होगी, जो भी कुछ होगी, वो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल के थ्रू नहीं बता सकता। सिर्फ मैं सेटिंग्स बताऊँगा कि कैसे आप चेंज कर सकते, क्योंकि मैं गेम प्ले वगैरह तो नहीं करता और इतना प्रोफेशनल भी नहीं हूँ। तो सिर्फ मैं यहाँ पर सिर्फ आपको चीज़ बताऊँगा कि कैसे आप इसको मीडियम से हाई पर या हाई से लो पर लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर आप इस वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं, तो आपका ही इसमें फ़ायदा होगा। तो इसके लिए जो है अब आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले यहां पर आपको होम पेज पर आना है कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर, और यहां पर सबसे कोने पर आपको जो है सेटिंग्स दिखाई देगी। तो सेटिंग्स पर आपको चले जाना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स पर जाएंगे तो यहां पर आपका जो है कंट्रोल मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। डिफ़ॉल्टली आती है कि सेटिंग्स को खोलते कंट्रोल, लेकिन उसके बराबर में आप देखेंगे बेसिक्स एंड उसके बराबर में ऑडियो एंड ग्राफिक सेटिंग्स। तो जैसे ही आप ऑडियो एंड ग्राफिक सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही यहाँ पर आपको फ्रेम रेट आ जाता है। यहाँ पर हमारा लो भी है, मीडियम भी है एंड हाई भी है। किसी किसी के में मिलेगा नहीं हाई या लो, मीडियम भी नहीं मिले, तो इस चीज़ से थोड़ा बहुत फ़ोन के अंदर डिफरेंट हो सकता है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आपको इस टिक को हटाकर हाइपर कर देना होगा, मतलब हाइपर ही क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको हाइपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो है हाइपर लग जाएगा, लो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लो पर लग जाएगा, टिक को हटाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोसेस रहता है, वैसे मीडियम पर ही ऑटोमेटिकली आता है, जो ग्राफिक आपकी क्वालिटी रहती है वो लो पर आती है। मोबाइल पर डिपेंड करता है, किसी किसी के हाई पर भी ऑटोमेटिक आ जाती है। यहाँ पर मेरी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स में नहीं आ रही क्योंकि मोबाइल मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, और क्या पता आती भी हो या नहीं आती हो, ये मुझे पक्का कन्फर्म नहीं है क्योंकि मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। जितना भी जानता हूँ मैंने आपको यहाँ पर वीडियो में बता दिया है। बाकी अगर आपको यहाँ पर अब वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल आपको अच्छा अगर अच्छा लगा हो तो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। और वीडियो देखने के लिए आपका वैसे बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।